सावन माह के अंतिम सोमवार को कातुलबोर दुर्ग स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और श्री कैलाश नेपाली सेवा समिति के द्वारा श्री भक्तों के लिए जलाभिषेक एवं महारुद्राभिषेक के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। इस वर्ष श्रावण मास के आखिरी सोमवार में शिव भक्तों ने पूरी भक्ति भाव से बढ़ चढ़ कर भगवान शिव की भक्ति की और यथाशक्ति भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और महारुद्राभिषेक भी किया। इसी तारतम्य में दुर्ग कातुल बोर्ड स्थित छत्तीसगढ़ के एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर में भी विशेष व्यवस्थाएं शिव भक्तों के लिए की गई थी, जिससे शिव भक्तों को अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना करने में किसी प्रकार की अड़चन न आए। पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा और सभी भक्तों ने अपनी इच्छानुरूप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक विभिन्न सामग्रियों से किया, साथ ही उनकी आरती भी उतारी, बेलपत्र फूल इत्यादि समर्पित किए। साथ ही भगवान भोलेनाथ से परिवार की खुशहाली सहित प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। श्री कैलाश नेपाली सेवा समिति के सदस्य ने व्यवस्थाओं की जानकारी न्यूज टीम को दी है। आज आखिरी सोमवार है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हमारे पशुपतिनाथ मंदिर। एग्जाम्पल यहाँ नेपाल में भी सेम प्रोसेस रहता है यहाँ पर, है ना, ऐसे करके। तो कामना ये है कि मैं सबसे पहले अपने घर वाले को विश पूरा करना चाहता हूँ, मतलब फिर उसके बाद अदर लोग को ऐसे करके। समिति की तरफ से आज भंडारा का प्रोग्राम रखा गया है शाम को आरती के बाद, और यह पशुपतिनाथ मंदिर में हम लोग चार सोमवार आखिरी है। इसमें तीन सोमवार तक पशुपतिनाथ नदी में जाके जल लेके आके हम पूजा पाठ अर्चन किए हैं, और यहाँ पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, और सबसे पुराना मंदिर जो है कि सबसे बड़ा काठमांडू में है, और यहाँ का आज जलाभिषेक रुद्राभिषेक शिवलिंग का प्रोग्राम रखा गया है 10:30 बजे के बाद, और यहाँ के लेडीज लोग आते हैं, सब मेहनत उन्नत करते हैं, और हमारे समाज में पूरे समाज है, समाज के द्वारा यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, और शाम का प्रोग्राम भी रखा गया जी। मेरा नाम श्रीमती अनुराधा गुरु है, तथा मैं राम कातिपुर की निवासी हूँ, तथा आज हमारे पशुपतिनाथ मंदिर में भव्य रूप से सावन का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, तथा आज लास्ट सावन होने के कारण बहुत ही श्रद्धालु हमारे मंदिर में आए हैं, तथा आज पार्थिव शिवलिंग का भी अभिषेक किया जा रहा है, तथा सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं। हाँ, शाम को आरती के बाद में महाभंडारा का भी प्रोग्राम रखा गया है, तथा सभी से हम बोल रहे हैं कि आप सबसे अधिक से अधिक संख्या में महाभंडारा प्रसाद ग्रहण करिए। सावन माह का आखिरी सोमवार शिव भक्तों के लिए भगवान शिव की भक्ति आराधना में बीता, और अब 11 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार के साथ श्रावण मास की समाप्ति हो जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।